फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास एक जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है आवर कंट्री इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन। फिजिकल डिविजन में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? डेजर्ट के बारे में। इट इज ए ड्राई सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। जो डेजर्ट है डेजर्ट, तो हम पढ़ेंगे तो क्या है? इट इज ए ड्राई सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। जो डेजर्ट है, जो अपनी इंडिया है, इसके अंदर जो राजस्थान जो स्टेट है, उसके अंदर क्या एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नेम है जैसलमेर, और जैसलमेर के अंदर भी है एक डेजर्ट जिसका नेम है थार डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है वो क्या बहुत सारी दूर में फैला हुआ है, और वहाँ पे क्या जो डेजर्ट है उसमें क्या वहाँ पे तो बारिश भी नहीं होगी, वो बहुत गर्म है, वो बहुत हॉट है, तो वहाँ पे बारिश भी नहीं हो सकती। तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी तो वहीं पे बहुत गर्मी होगी, और जब गर्मी होगी तो जब क्या होगा, ये मिट्टी है इतनी दूर में, मान लो ये डेजर्ट है तो डेजर्ट के अंदर तो फिर मिट्टी बहुत होगी, तो ये मिट्टी क्या एकदम स्मॉल और हो जाएगी, वो क्या सैंड से सोयल बन जाएगी, वो बहुत पतली हो जाएगी, एकदम पतली। और इट इज ए ड्राई सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इसीलिए इसको ड्राई सैंडी हो जाती है। फिर ड्राई सैंडी मतलब सूखी, वो कहीं से भी गीली मिट्टी नहीं रहती है, वो एकदम सूखी रहती है, इसके लिए वो क्या ड्राई सैंडी, वो सूखी है और वो सैंड है, एकदम पतली सी है सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड की। इट इज ए वेरी लिटिल वेजिटेशन, और उसके अंदर क्या है वेरी कम वेजिटेशन है। जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, उसके अंदर क्या वेरी लिटिल वेजिटेशन है, क्या स्मॉल कम है वेजिटेशन। तो ये तो था डेजर्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। इट इज ए ट्रायंगल इन शेप एंड द रिलीफ इज हाईली अनइवन। जो प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो किस शेप का है? वो ट्रायंगल शेप का है। ट्रायंगल शेप का कैसे है? देखो यहाँ इतनी जगह में है पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इतनी जगह में है तो फिर अपनी इंडिया नीचे से एकदम ऐसे पतली सी है, हाँ, और ऊपर से चौड़ी है, तो क्या फिर ये ट्रायंगल का शेप तो हो ही गया। वो क्या बस राजस्थान तक है, है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू है न्यूमेरियस हिल रेंजेस एंड वैली, और जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसमें क्या हिल रेंजेस भी है और वैलीज भी है। तो वैलीज क्या होती है? वैलीज क्या होती है? जैसे ये माउंटेन हो गए, है ना, और ये तो माउंटेन है, तो माउंटेन से ऐसे बीच में फिर ये जगह है, तो यहाँ पे समुंदर बह जाएगा, तो ये वैली कहलाती है। लेकिन प्लेट्यू में क्या होता है? ये प्लेट्यू है एकदम इसके जैसे सेम ही प्लेट्यू में होता है। ये दोनों प्लेट्यू है, तो इन दोनों प्लेट्यू के क्या फिर बारिश आ गई, तो फिर बारिश के अंदर से फिर यहाँ पे एक बीच में जो ये बेस है इसमें क्या ये जो बेस है ये क्या कहलाती है? वैली, है ना। और जो अपनी इंडिया के अंदर जो प्लेट्यू है वो किस शेप का है? ट्रायंगल शेप का है। वो क्या प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसमें क्या और ये जो वैली है उसमें क्या इन दोनों प्लेट्यू के बीच में जो जगह है वो क्या कहलाती है? वैली, जहाँ से समुंदर निकलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये तो हमने पढ़ लिया था वैलीज के बारे में। अरावली हिल्स, अब हम जानेंगे इंडिया के अंदर की चीजें कि इंडिया के अंदर क्या क्या होता है। तो इंडिया के अंदर क्या आता है? अरावली हिल्स। क्या होता है? अरावली हिल्स। तो अब अरावली हिल्स कहाँ पे है? जो अपना राज्य
राजस्थान है, राजस्थान है तो उसके अंदर क्या, उस राजस्थान के अंदर क्या है, अरावली रेंजेस है, अरावली का माउंटेन है, अरावली हिल्स। तो वो क्या इतनी दूर तक है, वो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, अरावली हिल्स, अरावली रेंजेस, विंध्याज ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, विंध्याज और विंध्याज भी है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, ईस्टर्न घाट क्या होता है, पहले हम ईस्टर्न घाट को पढ़ेंगे। तो ये है ईस्ट, है ना, ये हो गए ईस्ट और ये हो गई वेस्ट, है ना, ये हो गए ईस्ट और ये हो गई वेस्ट। तो ईस्टर्न घाट कौन से होते हैं, ईस्टर्न घाट ईस्ट के अंदर होते हैं और वेस्टर्न घाट वेस्ट। तो ये ईस्ट एंड वेस्टर्न में क्या है, जो ईस्टर्न घाट है वो ये है और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ये है और ईस्टर्न घाट ये है। तो इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, तो इन दोनों के अंदर ये है कि जो ईस्टर्न घाट है वो क्या जगह छोट छोट के है, उसमें देखो ये माउंटेन है तो इसके अंदर इतनी जगह छूट गई और यहाँ पे भी इतनी जगह छूट गई, इसके अंदर जब जगह बहुत सारी बच रही है तो ये क्या है ईस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट क्या एकदम ऐसे पास पास में, पास पास में, तो ये क्या है कंटिन्यूली है, कंटिन्यूली है और ये अनकंटिन्यूली है। कैसे, तो ये तो एकदम जो वेस्टर्न घाट है इसमें क्या ये माउंटेन है, ये बहुत पास पास में है, और जो वेस्ट और जो ईस्टर्न घाट वाले माउंटेन है वो क्या ऐसे दूर दूर में फैले हुए हैं, बीच में नहीं है, फिर आगे है, फिर बीच में नहीं है, फिर आगे है। तो ये तो था पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन की। तो कोस्टल प्लेन क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो कोस्टल प्लेन है वो क्या टू टाइप के होती है, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में अंतर क्या है, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या जो बहुत पास में है वो क्या बहुत पास में है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत सारी जगह नहीं रोकते, वो क्या बहुत जगह नहीं रोकते। कैसे नहीं रोकते, क्योंकि ये माउंटेन है, ये क्या एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर माउंटेन इतनी दूर होंगे, एकदम ऐसे खुले खुले होंगे, तो जगह क्या वो ज्यादा रखेगा, जगह वो ज्यादा रखेगा। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसमें क्या ये बहुत सारी जगह रोक लेगा, इतनी सारी जगह रोक लेगा। और जो ईस्टर्न, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो माउंटेन भी यहाँ पे सकड़े सकड़े हैं, तो यहाँ पे क्या ये जगह भी ज्यादा नहीं रोकेगा, और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये ज्यादा जगह रोकेगा, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन एकदम खुले खुले हैं, दूर दूर है, यहाँ पे माउंटेन है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और ये जो प्लेन है ये प्लेन भी क्या दूर दूर है, एक यहाँ पे है प्लेन, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे दूर दूर में है ये प्लेन। There are number of east flowing rivers. There are Mahanadi, Godavari, Kaveri drain into the Bay of Bengal. और जो रिवर है कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कावेरी और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये क्या जो भी रिवर है, महानदी, गोदावरी, कावेरी, गंगा, यमुना, ये सभी जो रिवर है ये क्या बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाती है, ये रिवर क्या बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कावेरी, गंगा, यमुना, ये और ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र है वो भी बे ऑफ बंगाल में बह जाती है, ये सारी रिवर। तो ये तो था कोस्टल प्लेन के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे,
निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो ये दोनों सिचुएटेड किधर है? तो लक्षद्वीप है वो क्या केरला के यहाँ पे है, केरला के ईस्ट में, केरला के वेस्ट में, केरला के किधर वेस्ट की साइड में है, कौन लक्षद्वीप। और जो अंडमान एंड निकोबार है वो क्या, वो बे ऑफ बंगाल के अंदर सिचुएटेड है। और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी के अंदर, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। और ये क्या साउथ एंड पार्ट के ईस्ट साइड में है, साउथ एंड पार्ट के जो मान लो ये है तो ये क्या है साउथ एंड पार्ट है, लेकिन ये इधर क्या है ईस्ट है। तो वो साउथ एंड पार्ट की यहाँ पे सिचुएटेड है अंडमान एंड निकोबार, और लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल में ओडिशा के वेस्ट साइड में। तो ये तो थे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। और तो कौन कौन से स्टेट में टी सुनामी आई है? तो टी सुनामी होती क्या है, टी सुनामी जैसे खाई पे बाढ़ आ गई, खाई पे ऐसे बाढ़ आती है तो क्या होता है पानी उछलने लगता है, पानी उछलने लगता है तो क्या होता है। एक बार टी सुनामी आई थी, कहाँ पे आई थी, अंडमान एंड निकोबार में। तो इंडिया के कुछ पॉइंट्स और डूब गए थे, क्या करेंगे वो डूब गए थे। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें बहुत सारी परेशानियां आती है, इसका यही इम्पैक्ट है बहुत सारी परेशानियां। ऐसे थोड़ी आप रात को सो रहे हो और बाढ़ आ गई फिर आप कैसे भाग पाओगे, नहीं भाग पाओगे, वो तो आपको पानी उछलने लगता है जब आपको पता लगता है कि सुनामी आने वाली है। तो ये तो आज तो इसी के साथ हमारा क्लासिक जियोग्राफिकल चैप्टर नंबर 8 आवर कंट्री इंडिया कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।